हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाव्यादर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ खजूर बर्फी। खजूर ड्राई फ्रूट बर्फी बहुत ही हेल्दी होती है। ये विंटर्स के अंदर खाई जाती है और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डलती है, शुगर फ्री होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी, इसको मैं किस तरीके से बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने लिया है खजूर, 500 ग्राम है ये, आधा कप बादाम, इनको मैंने बारीक काट लिया है, और खजूर को भी मैंने बीज निकाल करके पतला पतला बारीक बारीक काट लिया है। मैंने ये वाला हाफ कप जो है, ये कप बादाम लिया है, आधा कप बादाम, आधा कप काजू बारीक काट लिया है, आधा कप अखरोट, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है, दो बड़े चम्मच खसखस, 20 ग्राम खसखस है, दो बड़े चम्मच मैंने लिए हैं चिरौंजी, ये भी 20 ग्राम चिरौंजी है, दो बड़े चम्मच पिस्ते, ये भी 20 ग्राम है, आधा कप खोपरे का चूरा, सूखे खोपरे का चूरा है ये, 7 हरी इलायची और 2 टेबलस्पून घी है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन गरम रख दिया है, अभी मैं इसके अंदर हमारी खसखस को रोस्ट करूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। हमारी खसखस बॉयल गरम हो गई है, सिक गई है अच्छे से। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसको खाली कर लूँगी हमारे बाउल में। गैस फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अभी हम हमारे सारे खसखस बाउल में डाल दी। मैं गैस फ्लेम वापस से ऑन कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। हमारा घी जैसे ही गर्म होगा, हम उसके अंदर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और उनको सेकेंगे। मैंने बादाम डाल दिए हैं, काजू, अखरोट, चिरौंजी और पिस्ता। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसको कंटिन्यूसली हमने हिलाना है ताकि ये जल ना जाए। अच्छे से हम इसको रोस्ट करते रहेंगे। हमारे नट्स रोस्ट हो चुके हैं और इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगी है। हम इसको इससे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो फिर वो जल जाएंगे और टेस्ट में भी जलापन आ जाएगा, इसलिए अब मैं इसके अंदर खजूर डालूँगी और डालूंगी खोपरा, हरी इलायची, इसको मैंने पीस लिया था। अब इसको मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं इसको, मैं खसखस भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक कि खजूर सॉफ्ट नहीं हो जाते। मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी क्योंकि मेरे को थोड़ी इसमें घी की कमी लग रही है। थोड़ा घी मैंने बचा लिया था,
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे खजूर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाए और ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे खजूर अच्छे से ड्राई फ्रूट्स में मिक्स हो गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं और अच्छे से बारीक भी हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये ठंडा होएगा, ठंडा होने के बाद में हम इसके, चाहें तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो आप इसका बर्फी बना सकते हैं, आप जो आप चाहें, आपकी पसंद वो आप कर सकते हैं। मैं अब इसको एक बाउल में डाल दूंगी। हमारा खजूर की मिठाई का डफ अभी हल्का थोड़ा गर्म है, ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको प्रॉपर बर्फी के शेप में कट करने के लिए रेडी करेंगे। हमारा डो ठंडा हो चुका है, अभी इसको मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके ओवल शेप में इसको बना लूँगी। आप इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं, एज यू लाइक, बड़ा भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा छोटा भी। ये देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को, मैं इसमें थोड़ा और डो ऐड कर दूंगी और इसको इस तरीके से स्लैब के ऊपर, मेरी स्लैब बिल्कुल क्लीन है, मैं इस तरीके से इसको तैयार करूंगी। इस तरीके से मैं हमारे सारे ओल्स तैयार कर लूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमारे डो को तैयार कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा, मैंने इसके ऊपर सूजी, वो सॉरी, खसखस और पिस्ता डाला है हमारे फ्लोर पे, और अब मैं इसको, हमारे डो को इसके ऊपर इस तरीके से कर दूंगी ताकि ये डेकोरेशन हमारे पिस्ता और इसकी अच्छे से हो जाए और ये सुंदर लगने लगेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट से बन भी जाती है, इसको बनाने में हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से हम हमारे सारे के सारे रोल्स को डेकोरेट कर देंगे। मैंने हमारे रोल्स को सबको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, अभी हम इनको फॉइल के अंदर लपेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से टाइट टाइट गोल शेप में, इससे हमारी बर्फी जो कटेगी वो प्रॉपर गोल शेप में और अच्छे शेप में आ जाएगी। हमने इस तरीके से इसको अच्छे से बंद कर देना है। मैं इसी तरीके से हमारी सारे रोल्स फॉइल में लपेट दूंगी।
मैंने हमारे सारे रोल्स को फॉइल के अंदर लपेट दिया है, अच्छे से रैप कर दिया है। अभी मैं इनको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। मेरे सारे रोल्स खोल दिए हैं, अभी मैं इसको स्लैब पे ही रख करके काट लूंगी। ये देखिए, इसको मैं आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पर रख के काटूंगी। इस तरीके से मैं हमारे सारे रोल्स को कट कर लूंगी। मैंने अपनी सारी खजूर रोल्स काट दिए हैं, काट के बिल्कुल रेडी हैं। हमारी खजूर ड्राई फ्रूट बर्फी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगी आपके पास में एक नया वीडियो लेके। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।